देश में 500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी के बाद से अब हर तरफ कैशलेस इकोनॉमी की चर्चा होने लगी है। अब दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कैशलेस इकोनॉमी को खुले दिल से अपना चुके हैं, जैसे नॉर्वे जो खुद के 99.99% तक कैशलेस होने का दावा करता है। यहाँ आप अखबार तक ऑनलाइन पेमेंट से खरीद सकते हो। यहाँ के कई बैंक तो कैश ही नहीं देते, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम रेट भी बेहद कम है। तो दूसरे नंबर पर आता है स्वीडन। स्वीडन की कुल आबादी के 96% लोगों के पास अपना डेबिट कार्ड है। यहाँ 89% लेन देन कैशलेस ही होता है। तो तीसरे नंबर पर आने वाले डेनमार्क की भी 90% आबादी कैशलेस ट्रांजेक्शन करती है और यहाँ की सरकार ने 2030 तक 100% कैशलेस देश बनाने का लक्ष्य रखा है। चौथे नंबर पर है नीदरलैंड, जहाँ पर 85% कंज्यूमर पेमेंट कैशलेस होता है। नीदरलैंड के 98% लोगों के पास डेबिट कार्ड है। पांचवें नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, जहां पर 89% लेन देन बिना करेंसी के होते हैं। इसमें अफ्रीका का एक गरीब देश सोमाली लैंड भी आता है, जहां पर क्राइम रेट बढ़ने की वजह से वहां के ज्यादातर लोगों ने कैशलेस और ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू कर दिया। यहां 2012 में औसतन हर इंसान 34 ऑनलाइन पेमेंट हर महीने करता था, जो दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा है। इसके अलावा केन्या में 15 करोड़ से ज्यादा लोग एम पैसा ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और ये देश भी कैशलेस होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और रही बात भारत की, तो कैशलेस देशों में शुमार होने के काफी पीछे खड़े हमारे देश को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। देश के 80 करोड़ लोगों के पास आज बैंक अकाउंट तो है, लेकिन उनमें पैसा नहीं है। तो अगर आप भी एटीएम और बैंकों की लंबी लाइनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज से ही ऑनलाइन और कैशलेस सिस्टम को अपनाना शुरू कर दें।